हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। कल सीबीएसई का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का। पहले क्लास ट्वेल्थ का आया था, उसके बाद एक घंटे बाद ही क्लास टेंथ का भी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। और मैं देखिए, इस बार मैंने बोला भी था कि इंक्रीमेंट होगा, इस बार भले ही बहुत थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, 0.6 के आसपास क्लास ट्वेल्थ में हुआ है और बहुत थोड़ा ही क्लास टेंथ में भी हुआ है, लेकिन इस बार इंक्रीमेंट हुआ है। मॉडरेशन पॉलिसी लगी है क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स के पेपर में। लेकिन आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, जो री एग्ज़ाम की श्रेणी में आ गए हैं, या मैं बोल सकता हूँ जिनका कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट आपको देना कब से है, कैसे करना है, इस बारे में आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, कंपार्टमेंट की बात करें तो क्लास ट्वेल्थ अब विजिबल आपके स्क्रीन पर विजिबल है। आप देख सकती हैं कि क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट हैं वो 1,22,000 कंपार्टमेंट में हैं, जबकि क्लास टेंथ की बात करें तो 1,32,000 करीब स्टूडेंट आपके क्लास टेंथ के हैं जो कंपार्टमेंट जिनका आया है किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो कंपार्टमेंट कब देना है, कैसे देना है, देखिए कंपार्टमेंट देने के लिए सबसे पहले आपको सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार वो एक डेट देती है कि इस डेट के अंदर आपको वो सबमिट जो फॉर्म है री एग्ज़ाम का कंपार्टमेंट का, उसको फिल करके आपको सबमिट करना होता है। और ये जो सारी प्रक्रिया होती है वो आपके स्कूल से ही संचालित होती है, या मैं कह सकता हूँ जितना भी सब काम होगा वो आपके स्कूल के थ्रू ही होता है, जहाँ से आपने क्लास टेंथ या ट्वेल्थ की परीक्षाएं दी थी। इसके बाद जब आप फॉर्म भर देंगे, उसकी कुछ फीस भी होती है, उस फीस को जब आप सबमिट कर देंगे तो सीबीएसई एक डेट निर्धारित करती है कि किस डेट को आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है। अब बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो सेंटर भी कोई एक ही पड़ता है ज़िले में, ठीक है, या हो सकता है अगर ज़्यादा स्टूडेंट हों तो एक से ज़्यादा सेंटर भी पढ़ सकती हैं। उसके बाद आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और उसका कुछ ही दिन बाद रिजल्ट घोषित हो जाता है। पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट आता है, न ज़्यादा टफ आता है, न ज़्यादा ईजी भी आता है। तो तैयारी रखें, जिस सब्जेक्ट में आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है उस सब्जेक्ट में आप जो कंपार्टमेंट है वो भर सकती हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आपका जो कंपार्टमेंट अगर दो सब्जेक्ट में आया है तो आप दोनों में कंपार्टमेंट भरिए, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भरते हैं और अगर एक सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपका फिर री एग्ज़ाम में जो है वो पास आप नहीं हो पाएंगे, और फिर जो आपका एक साल का जो ड्रॉप है वो मे बी हो सकता है। तो कम से कम दो सब्जेक्ट में अगर आपकी दी है तो दो सब्जेक्ट में आप दोनों में री एग्ज़ाम भरें, ताकि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होकर आप अगली क्लास में प्रमोट हो सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।